हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल जी और यहां पर फरीदाबाद के प्रबुद्ध नागरिकगण, उपस्थित भक्तगण और मातृशक्ति, आज बड़ा ही पावन दिन है कि हम लोग गणेश चतुर्थी में गणपति देवता की स्थापना और स्तुति कर रहे हैं। गणेश महाराज ने जो ये प्रमुख स्थान प्राप्त किया और वो सारे गणों के ईश बने, गणों के सरदार बने, सारे देवताओं के सेनापति बने, ये सौभाग्य उन्हें तब मिला जब पार्वती और शंकर भगवान ने कहा कि जो संसार की परिक्रमा करके आएगा, सबसे पहले आएगा, उसको हम सेनापति बनाएंगे। अनेक देवता निकल गए, स्वामी कार्तिकेय भी मोर पर बैठ करके पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल गए। गणेश महाराज ने सोचा कि मेरा वाहन तो चूहा है, इसकी कोई तेज गति नहीं है, और मैं अगर शंकर पार्वती को ही केंद्र मान लूं तो केंद्र की परिक्रमा करके मैं विजय प्राप्त कर सकता हूं। जैसे आप नॉर्थ पोल में चले जाएं और नॉर्थ पोल की परिक्रमा करें तो आप चंद मिनटों में पृथ्वी की परिक्रमा कर सकते हैं। तो शंकर पार्वती की परिक्रमा करने से गणेश जी महाराज सारे देवताओं के सेनापति बन गए, आराध्य बन गए। ये विजडम, विवेक, ज्ञान का समन्वय था। और वास्तव में अपने जीवन में हम माता पिता को भी केंद्र मान करके, गुरु को भी केंद्र मान करके उनकी परिक्रमा करते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, तो हमें भी ज्ञान मिलेगा, विवेक मिलेगा। किसी ने भगवान से कहा, प्रभु आप मुझे कितना भी कष्ट दें, कितनी भी मेरी परीक्षा लें, पर मेरे एक अनुरोध है, एक प्रार्थना है कि मेरा विवेक ना लेना, मेरी बुद्धि मत लेना। तो भगवान ने कहा कि भाई जाको प्रभु दारुण दुख देई ताकि मति पहले ही हर ले। तो कहा भाई हम किसी को कष्ट नहीं देते, हम तो उसकी बुद्धि हरते हैं, उसका विवेक हरते हैं, और बाकी तो सब कुछ अपने आप हो जाता है। तो विजडम जो है, विवेक जो है, बहुत जरूरी है। और गणपति महाराज रिद्धि बुद्धि, जो इंटेलेक्ट है, जो विजडम है, उसके देवता हैं। कई देवताओं के बारे में आता है कि वो वर्षा बरसाते हैं, कोई अग्नि देव हैं, कोई वायु देव हैं, अनेक देवताओं का आपने वर्णन भी सुना होगा। पर भारत देश के अंदर विजडम का देवता, इंटेलेक्ट का देवता, ज्ञान का देवता वो गणेश महाराज को ही माना जाता है। और जब हम विवाह पत्रिका बनाते हैं
शादी का कार्ड बनाते हैं, कोई मांगलिक काम करते हैं, तो सबसे पहले गणेश जी महाराज की फोटो बनाते हैं और विघ्न विनाशक लिखते हैं। क्योंकि जब आपके जीवन में इंटेलेक्ट होगा, आपके जीवन में विजडम होगी, आपके जीवन में ज्ञान होगा, तो निश्चित रूप में संकट आपके जीवन में नहीं आएंगे। अगर आएंगे भी तो उनका निदान करने की क्षमता आपके पास होगी। उस संकट से भी अमृत निकले, भगवान को वनवास हुआ, निष्कासन हो गया, पर भगवान ने उसमें भी अमृत प्राप्त किया। और जो ऋषि मुनि भक्तगण चिरकाल से प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु के दर्शन हो, उन सबको दर्शन प्राप्त हो गया, उनका जीवन कृतार्थ हो गया। भगवान जब निषाद राज के पास जाते हैं तो निषाद राज भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। किसी ने कहा, निषादों से कहा, भाई तुम्हारे जीवन में क्या परिवर्तन आया? बोला, सबसे बड़ा परिवर्तन यह है कि तुम हमसे बात कर रहे हो। हम तो जंगली आदमी है, मार के काट देते हैं, जिनको बोलते हैं कैनिबलिस्टिक, खा जाते हैं, कैनिबल होते हैं। तो कहा, ये तो समझो कृपा भगवान राम की है कि हमारे जीवन में इतना रूपांतरण दे दिया कि तुम हमसे बात भी कर रहे हो, नहीं तो तुम्हें हमें लूट करके, चोरी करके तुम्हें खत्म कर दें, मार दें। तो ये रूपांतरण, ये चेंज, और भगवान के पास कोई सेना नहीं थी। भगवान गए, ऐसा पुच्छ नक्षत्र था जिसमें भगवान का निष्कासन हुआ, पर उस नक्षत्र का ये परिणाम था कि भगवान के पास कोई सैनिक नहीं थे, सेना बनती चले गई। भगवान के मार्ग में भगवान की सहायता करने के लिए सब बानर आ गए। आज सैटेलाइट से फोटो ली जा रही है और यह देखने को मिल रहा है कि श्वेत बंध रामेश्वर का पुल वास्तव में बना था। इट वॉज अ फैक्चुअल थिंग, ऐसा नहीं कि कपोल कल्पित लोगों ने कह दिया हो। अब लोग कह रहे हैं, नहीं साहब, ये तो नीचे एक स्टेट्रा है और उसके ऊपर पुल का निर्माण किया गया, यहां से निश्चित रूप में लंका पर भगवान ने विजय प्राप्त की होगी। तो कहने का अभिप्राय यह है, गणेश महाराज के बारे में आपने सुना होगा, एक कथा आती है कि पार्वती गौरी कुंड में स्नान कर रही थी, बेटे से कहा कि बेटा किसी को अंदर मत आने देना। शंकर भगवान आए, शंकर ने कहा, भाई मेरा घर है। गणेश ने रोक दिया, युद्ध हुआ, शंकर भगवान ने गणपति का शिरच्छेदन कर दिया, सिर काट दिया। और जब पार्वती को पता चला तो पार्वती बड़ी क्रुद्ध हो गई, सारी अपनी देव योग माया, योग शक्ति, योगनियों को लेकर के कहा, मैं संसार का संहार करूंगी, नहीं तो मेरे पुत्र को जीवित करो। अब आप देखिए, आज कितनी मॉडर्न साइंस हो गई है। मैं केवल आपको एक एनेक्डोट्स के रूप में बताऊंगा, हम आज बोन ट्रांसप्लांट की बात करते हैं, हड्डी आपकी टूट गई, कुछ हो गया तो स्टील की हड्डी डाल देंगे, रॉड डाल देंगे, दांत खराब हो गए, गल गए, सड़ गए, डेंचर्स लगाने की बात हो रही है, आपके बाल उड़ गए, हेयर ट्रांसप्लांट की बात हो रही है, बहुत सी चीजों के ट्रांसप्लांट की बात विज्ञान कर रहा है, विज्ञान ने किया भी है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट पर उस समय, उस जमाने में लोगों ने कहा, हेड ट्रांसप्लांट की बात करी कि भगवान विष्णु गए और हाथी का सर लगा दिया। हाथी ज्ञान का प्रतीक होता है, उसका सर बड़ा होता है, सर बड़ा होगा तो उसमें बुद्धि भी ज्यादा होगी, सर बलम भी ज्यादा होगा, और उसको जीवित कर दिया। अब ये कथा है, पर कथा के पीछे जो, उसके पीछे जो भाव है वो वैज्ञानिक उपलब्धि का भाव है। क्या, किस डायमेंशन में हमारे ऋषि सोचते थे। उसके बाद
दूसरी कथा ये आती है कि जब गणेश जी का जन्म हुआ, माता पार्वती ने उत्सव मनाया, देवताओं को बुलाया, जैसे आज गोयल जी ने आप लोगों को बुला रखा है, ऐसे ही सबको बुलाया गया। शनि महाराज भी आए। अब पार्वती ने शनि जी से कहा, मेरा बेटा तो देखो। शनि ने कहा, नहीं, मेरी दृष्टि बड़ी कुपित दृष्टि है, मैं नहीं देखूंगा। बोला, आप सब दुनिया को देखते हो, मेरे बेटे को नहीं देख रहे। जब शनि से बारंबार कहा गया, शनि ने कहा, चलो भाई, जब तो आप कहते हो मैं देखता हूं, पर मेरी दृष्टि जो है उल्टी है। शनि ने देखा और देखते ही गणपति का सिर जो है वो कट के गिर गया। तो पार्वती बड़ी उग्र हुई, तब भगवान विष्णु हाथी का सर लाए। तो ये कथाएं आई हैं, इसके पीछे अलग अलग कथाएं हैं। भगवान का एक दांत हो गया, क्योंकि भगवान परशुराम से लड़ गए, परशुराम को रोका। मतलब कहने का मतलब कि जो आज्ञा थी, उस आज्ञा पर लड़ करके भगवान ने सेवा की, आज्ञा पर चले। परशुराम ने वज्र मारा तो एक दांत टूट गया, एक ही दांत से। तो आज उनकी पूजा एक ही दांत में होती है, एक दंत दयावंत। तो कहने का मतलब ये सारे जो चीजें हैं, ये इसी बात को दर्शाती है कि माता पिता की हम सेवा करें, माता पिता को केंद्र बिंदु मान करके, जिन्होंने जन्म दिया उन्हें केंद्र बिंदु मान करके, गुरु की आज्ञा को मान करके, माता की आज्ञा को मान करके हम चलें, तो मैं समझता हूं हमें बहुत पुण्य प्राप्त होगा। गणेश महाराज और तुलसीदास जी महाराज ने तो कहा है, उन्होंने बड़े सार में बताया कि नाम के प्रभाव को गणेश जी ने जाना। नाम प्रभाव जान गण राऊ और प्रथम पूजित नाम प्रभाव, कि गणेश महाराज ने नाम के प्रभाव को जाना। आज हम एक दूसरे को देख रहे हैं, पर आखिरी में हम क्या कहते हैं, साहब व्हाट इज योर गुड नेम, आपका नाम क्या है। आदमी को देख रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, विचारों का समन्वय भी हो रहा है, फिर वो पूछते हैं, साहब आप बड़ा अच्छा बोल रहे हैं, बहुत अच्छा है, पर आपका शुभ नाम क्या है। अभी हमारी कॉन्फ्रेंस थी बेंगलुरु में, तो हम भी खड़े होकर बोले, अपना हमने टूरिज्म पे बोला, कुछ लोगों को हमारी बातें बड़ी अच्छी लगी, तो हमारे पास आए कि साहब आपने बहुत अच्छा भाषण दिया, क्या हम आपका नाम जान सकते हैं। मेरे को सुन भी रहे हैं, मेरे आइडियाज भी ले रहे हैं, मेरी बात से सहमत भी हैं, मेरे स्वरूप को भी देख रहे हैं, फिर भी परिचय के लिए वो नाम जानते हैं। ऐसे ही भगवान का नाम होता है, और गणपति महाराज ने उस नाम के प्रभाव को जाना। नाम प्रभाव जान गण राऊ, कि नाम के प्रभाव को जाना, आत्मसात किया, उसका साक्षात्कार किया, और प्रथम पूजित नाम प्रभाव, पहली पूजा उनकी नाम के प्रभाव के कारण हुई। अब ये विजडम की बात तो है। आज हम देश के अंदर विजडम इंटेलेक्ट, अभी देखिए पुलवामा एक घटना घटी, पूरा देश व्याकुल हो गया, ये क्या हो गया, हमारे सैनिक मारे गए। जो रास्ते में जा रहे थे और फिर विजडम प्रिवेल्ड, माननीय प्रधानमंत्री जी ने विजडम से काम लिया, इंटेलेक्ट से काम लिया, कि भाई इसके लिए तो हमें रिटेलिएशन करना है, इसको जड़ से खत्म करना है। और जड़ से खत्म करने के लिए आपको पता है, एबटाबाद में बिन लादन को खोजते खोजते अमेरिकन्स पहुंचे। जो वहां पर बिन लादन रहता था, उसने सारा संपर्क खत्म कर दिया, वो अखबार नहीं पढ़ता था, इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करता था, उसको सूचना एक आदमी आकर के दे जाता था और चले जाता, खाने पीने का सामान भी उसको मिलता था, सीमित मिलता था, क्योंकि लोग इस पर नजर रखते थे कि कौन आदमी कितना सामान खरीद रहा है, यहां कोई बड़ा समूह तो नहीं है। ये ट्रेस करते 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 करते, ट्रैक करते करते,
फाइनली उनको एक गांव पर, एक जगह पर जो मिलिट्री के कैंटोनमेंट के नजदीक था एबटाबाद में, वो उन्होंने किया और करने के बाद फोटो खींची, जानना चाहते थे पर वो बंद था। तो उनको लग गया कि इतनी सीक्रेसी जो इस मकान के चारों तरफ है, तो इसमें भाई कोई ना कोई रहस्य की बात है। और फाइनली उन्हें पता लग गया कि इसके अंदर यहां पर बिन लादन रहता है। बिन लादन रहता है तो आप उसको दूसरे देश में जाके तो ला नहीं सकते। तब उसके लिए हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए गए, पूरा योजना बनाई गई जिसमें कि उनके दो हेलीकॉप्टर तो खत्म ही हो गए। वो गए, जाने के बाद अटैक किया, कोई पाकिस्तान आर्मी को कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, इतने लो उड़े नीचे उड़े कि रेडार पर नहीं आए, और जाकर के उन्होंने वहां किया। करने के बाद उन्होंने उसको मारा, मारने के बाद उसके दांतों का जो जबड़ा था उसकी फोटो ली, डेंचर्स की फोटो ली, और वो बिन लादन के जो डेंचर्स की फोटो थी, दांतों की फोटो थी, उससे मैच की और तब कंफर्म किया कि हमने बिन लादन को मार दिया। और मारने के बाद उसकी लाश को लेकर के समुद्र में डाल दिया ताकि कोई उसके लिए कोई चीज बना ना सके। तो ये होती है एक इच्छा शक्ति कि आप किस प्रकार से इस काम को कर रहे हैं। ऐसे इजराइल की इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा है, युगेंडा के अंदर उसके आदमियों को वहां पर उठा के ले गए लोग, गिरफ्तार कर लिया, कैद कर लिया, और फिर उन्होंने भी अटैक करके और युगेंडा में जाकर के अपने लोगों को छुड़ाया। तो इसी प्रकार से बुद्धि और ज्ञान का समन्वय करते हुए प्रधानमंत्री जी ने आपके बालाकोट के अंदर स्ट्राइक किया। स्ट्राइक करने के बाद सारे आतंकवादियों के जितने भी अड्डे थे निस्तनामूद कर दिए। भारत की जनता तो प्रसन्न हो गई कि भाई कम से कम किसी ने कुछ किया तो सही। मुझे एक आदमी मिला कहना साहब हमारा तो बस, हमने तो वसूल कर लिया, जो हमने दिया था समर्थन हमें पूरा मिल गया, और ये जो काम किया है बहुत बढ़िया काम किया है और पूरे देश का समर्थन इसको मिला। और इसके बाद यही नहीं, ये मुद्दा यहां हो, इसके साथ साथ गणेश जी महाराज ने इतनी विजडम दी, इतनी अकल दी, इतना ज्ञान दिया कि धारा 370 भी खत्म और 35 ए भी खत्म। जब हम पैसा खर्च ही कर रहे हैं कश्मीर में, तो भाई कश्मीर हमारा अंग क्यों नहीं है? और आपको पता होगा कि वहां पर सारे इलेक्शन रिग्ड होते थे, जिसका पर्चा एक्सेप्ट कर लिया, जिसका पर्चा रिजेक्ट कर लिया। अब कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास जा नहीं सकता था क्योंकि साहब वहां पर धारा 370 लगी है, न्याय किसी को मिलता नहीं था। अब अगर कोई पर्चा रिग्ड होता है, कोई पर्चा खारिज होता है, आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास जाकर के आप बात कर सकते। मुझे याद आया जब मेरे साथ लाल सिंह जी थे हमारे और शर्मा जी थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो हमसे कहते थे जरा हमारी सेना से बात करा दो। तो हम सेना के जनरल से बात कराते थे तो वो फिर अपनी सड़कें वड़के बनवाते थे क्योंकि वहां पंचायती राज था ही नहीं, कोई पैसा ही नहीं जाता था और सारा इलाका पिछड़ा हुआ था। आज वो हमारे साथ कदम से कदम रखेगा। और कश्मीर तो वैसे भी, श्रीनगर तो वो स्थान था जहां पर श्रृंगी ऋषि ने श्रीनगर को बसाया, और पहले पानी निकल जाता था, उन्होंने झील को बंद किया, झील बंद करने से बहुत बड़ा जलाशय बन गया, वाटर टैंक बन गया, जिसको हम श्रीनगर की झील कहते हैं, डाल लेक कहते हैं। तो ये सब ऋषियों का स्थान था और मैं समझता हूं कि आज ये बहुत बड़ा कदम उठाया है, और मैं समझता हूं कि गणेश जी महाराज की विशेष कृपा है जो भारत इतना करने के बाद और सारी दुनिया में भारत की समर्थन मिल रहा है, क्योंकि आतंकवाद का कोई समर्थन नहीं करता है। आतंक को आप खत्म करेंगे, आतंक को निस्तनामूद करेंगे, आपको समर्थन मिलेगा। इसीलिए हम भगवान से कहते हैं, और इसीलिए जब हम रण में जाते हैं तो पहले अपने देवताओं की पूजन करते हैं, गणेश जी महाराज का पूजन करते हैं, शुभ कार्य में पूजन करते हैं। तो इसलिए आज ये बहुत ही गणेश चतुर्थी का दिन है, हमारे लिए बहुत ही सुंदर दिन है कि हम ज्ञान की, विजडम की, इंटेलेक्ट की, हम उसे माने। एक समय मैं एथेंस गया तो एथेंस के अंदर एक मंदिर था, और मंदिर के अंदर
एक प्लेट थी लगी हुई, प्लेट में एक आदमी का कटा हुआ था चेहरा, उसका चेहरा नहीं था, कटा हुआ था वो। तो मैंने कहा भाई ये क्या है, ये तो प्लेट है, प्लेट में आदमी की फोटो बना रखी है, एक शक्ल सी बना रखी है। कहने लगे साहब इसमें आंख नाक नहीं है, केवल आदमी का आउटलाइन है। क्योंकि ग्रीक्स ये मानते थे कि हम जो गॉड्स की पूजा कर रहे हैं, देवताओं की पूजा कर रहे हैं, ये देवता तो नजर आते हैं, अपोलो देवता है, उनके और भी देवता थे, पर ऐसा भी कोई देवता होगा जिसको हम नहीं जानते। तो इस मंदिर में हम उस देवता की पूजा करेंगे जिसको हम देख नहीं सकते, जान नहीं सकते। एंड दिस ऑल कम्स फ्रॉम विजडम एंड इंटेलेक्ट, ये ज्ञान से ही ये चीज मिलती है। तो ये मैं समझता हूं कि आज चतुर्थी को हम मना रहे हैं, गणेश महाराज का पूजन कर रहे हैं, और पूजन के साथ साथ उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा होती है, प्राणों की प्रतिष्ठा की जाती है, प्राणों की पूजा की जाती है। और जब प्राणों को हम विसर्जन कर देते हैं तो उसके बाद हम मूर्ति को ले जाके पानी में, जल में डाल देते हैं। तो वास्तव में देखा जाए जितने देर हमने पूजा की, प्राणों की पूजा की। और इसीलिए संत भी कहते हैं कि मानव तेरे अंदर भी प्राण है, तू अपने प्राणों की पूजा कर, अपन को आप ही में पायो, शब्द ही शब्द भयो उजियारो, सतगुरु भेद बतायो, अपन को आप ही में पायो। सतगुरु महाराज उसकी डायरेक्शन को थोड़ा सा बदल देते हैं। तो ये एक बड़ी प्रसन्नता की बात है, और मैं गोयल जी को बहुत साधुवाद देता हूं जो आज इस धार्मिक पर्व में आपने सबको यहां पर सत्संग का लाभ दिया, ज्ञान का लाभ दिया। और आज हमारे देश को ज्ञान की जरूरत है, विजडम की जरूरत है। कुछ दिन पहले हम लोग ऑस्ट्रेलिया गए, तो वहां पर एक हमें एक कमरे में ले जाया गया, तो वो कहने लगा साहब यहां से हम सारा ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, हमारे यहां प्राइम मिनिस्टर निकलता है तो प्राइम मिनिस्टर का ड्राइवर फोन करता है कि प्राइम मिनिस्टर निकल गया, तो हम सारी सड़कों पर ग्रीन बत्ती का बटन दबाते हैं तो सारी सड़कें ग्रीन मिलती हैं, प्राइम मिनिस्टर को कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, सारी सड़कें क्लियर होती हैं और प्राइम मिनिस्टर निकल जाते। हमने कहा साहब ये तो बड़ा अच्छा है, अगर ऐसा हो जाए तो जो गाड़ियां चलती हैं, सिक्योरिटी की गाड़ी चलती है, कम चलेंगी और सिक्योरिटी क्लियरेंस भी रहेगा। तो हमने कहा भाई ये सिस्टम कहां बनता है, ये हमें भी चाहिए, हमारे उत्तराखंड में आएगा तो हमारी सड़कें भी बड़ी जल्दी जल्दी क्लियर हो जाएंगी। तो हंस के कहने लगा साहब ये आपके बेंगलुरु में बनता है, आपके लोग बनाते हैं। तो ज्ञान तो ऐसी चीज है भाई, ज्ञान और अच्छा जो मॉडल हो, अच्छा सिस्टम हो, तो सारा संसार उसको स्वीकार करेगा। आज आप देखो हमारे पहले लोग योग करते थे, कुर्सी पर बैठे बैठे लोगों की टांग फ्रीज हो जाती थी, पीठ में दर्द हो जाता था, तो लोग योग कर रहे हैं। आज योग डिक्शनरी का शब्द बन गया, अंग्रेजी की डिक्शनरी में योग लिखा रहेगा। तो अच्छी चीजें अपनाना चाहिए, अच्छाई को अपनाना चाहिए, जैसे मधुमक्खी हर फूल पे जाकर के शहद को बटोरती है, पराग को बटोरती है, कलेक्ट करती है, और फिर आप उसका स्वादन करते हैं, उसको चखते हैं, सबका एसेंस, सब फूलों का एसेंस होता है उसके अंदर। तो ऐसे ही जीवन के अंदर अच्छाई को अपनाना चाहिए, आध्यात्मिक अच्छाई हो, ज्ञान हो, उसे बटोरना चाहिए, उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ, रावी की रवानी बदलेगी, सतलज का मुहाना बदलेगा, कर शौक में तेरे जोश रहा, तस्वीर का जामा बदलेगा, बेजार ना हो बेजार ना हो, ये सारा फसाना बदलेगा, कुछ तुम बदलो कुछ हम बदलें, तब तो ये जमाना बदलेगा। एक भारत और श्रेष्ठ भारत, और हमारा भारत विश्व गुरु बने, ज्ञान का प्रचार करे, यहां से ज्ञान की गंगा फैले। आज गणेश महाराज का हम पूजन कर रहे हैं, इनसे ज्ञान सृजित होकर के सारी दुनिया में फैले। वसुदैव कुटुंबकम द वर्ल्ड इज माई फैमिली, ये हमारे ऋषि मुनियों ने कहा था।
और हम सब ऋषि मुनियों की संतान हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि भारत अपने उस गौरवमय इतिहास को प्राप्त करे। भारत की तरफ लोग आते थे। अभी आपके हरियाणा में एक चैरियट निकला है, फॉसिलाइज चैरियट निकला है। लोग मानते थे कि मेसोपोटामिया में चैरियट चलते हैं, यूनान में चैरियट चलते हैं, भारत में कोई चैरियट नहीं था, व्हील का यहां पर साइंस नहीं आई थी चक्र की। आज वहां पर वो फॉसिलाइज चैरियट हमको कई हजार साल पहले की हमारी संस्कृति थी इस बात का द्योतक हो गया, उस बात का प्रमाण हो गया। तो हमारी जो धर्म है बड़ा एंशिएंट है, अभी तो खोदा ही नहीं गया। आप मोहनजोदड़ो की बात करो, ढोलावीरा की बात करो, ये अभी इनका उत्खनन हुआ ही नहीं। मोहनजोदड़ो की ईंटें खोद खोद करके तो लोगों ने रेलवे लाइन बना डाली। मैं लोगों से कहता हूं ये भारत की जो रेलवे लाइन है ये गंगा माता की कृपा से बनी। लोग कहते जी गंगा माता की कृपा से कैसे बनी? मैंने कहा इसलिए बनी कि पहले जमाने में जब रेलवे लाइन बनती थी तो उसमें लकड़ी लगती थी, लकड़ी के लॉग लगते थे, और ये सारे हमारे उत्तर काशी और गंगोत्री से आते थे। तो समय सड़क तो थी नहीं। तो एक विल्सन नाम का राजा विल्सन था, अंग्रेज कॉन्ट्रैक्टर था, वो लकड़ियों को काट काट करके पानी में डाल देता था गंगा जी में, और गंगा उसको बहा करके लाती थी। सड़क तो थी नहीं, तो बहा के ऋषिकेश में लाती थी, ऋषिकेश में उसको सेग्रीगेट करके काट करके लॉग्स बनाते थे। तो भारत की जो रेलवे है ये गंगा माता के आशीर्वाद से ही बनी है। तो संतों का आशीर्वाद होता है। तो निश्चित रूप में आज सैटेलाइट के फील्ड में, रॉकेट के फील्ड में चंद्रयान जो है पहुंच गया, हमारी बहुत रिसर्चें हो रही हैं, और कम कीमत में आप स्पेस में सैटेलाइट को रख रहे हैं, कम कीमत में रख रहे हैं। मुझे याद है हम लोग जब डिफेंस में कुछ कर रहे थे तो ये आया कि साहब एक सैटेलाइट तो अमेरिका की सैटेलाइट है, जीपीएस सैटेलाइट, एक रशियन सैटेलाइट है, और अगर अमेरिकन ने स्विच ऑफ कर दी तो क्या होगा कि भारत की सेना जा नहीं पाएगी कहीं। तो हमने कहा भारत की भी सैटेलाइट होनी चाहिए। तो माननीय मोदी जी ने उसी रिकमेंडेशन को लेकर के भारत की सैटेलाइट भी स्थापित कर दी। आज हमारी सेना किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, ना अमेरिका पर है ना रशिया पर है। हम स्वावलंबी हो गए अंतरिक्ष के मामले में, और हम जहां चाहें, भारत माता को जो शक्ति मिली है, तीन सेनाओं की तो शक्ति मिली मिली, अब अंतरिक्ष की शक्ति भी भारत माता को मिल गई है कि अंतरिक्ष से आप जिसे चाहे समाप्त कर सकते हैं। तो यह बड़ी बात भारत के लिए हुई है, और निश्चित रूप में भारत शक्तिमान होगा, ज्ञान का प्रचार करेगा तो भारत विश्वगुरु बनेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ सबको मेरा आशीर्वाद। मैं गोयल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामना अर्पित करता हूं। गणपति बापा मंगल मूर्ति। तो मैं आज यहां पर महाराज जी के जो भी उन्होंने उद्बोधन दिया उसके अंदर धर्म का, और उससे साथ साथ कि राज धर्म सर्वोपरि है, उसके बारे में सारी संगत को जो अवगत कराया, और जिस तरीके से राज धर्म और धर्म का समावेश करके किस तरीके से विजडम, अगर ज्ञान अगर हम सब लोगों में होगा तभी भारत विश्वगुरु बन सकेगा, ये ज्ञान हम सब लोगों को दिया। और मैं यही कहना चाहूँगा महाराज जी से कि आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद कि आप छोटे से आगरा पर इतनी दूर से यहाँ पर चलकर आए और फरीदाबाद के लोगों को अनुग्रहित किया। और मैं समझता हूँ कि फरीदाबाद के अंदर महाराज जी आपकी जो फॉलोइंग है किसी भी तरीके से उत्तराखंड से कम नहीं है, यहाँ पर हर दूसरा व्यक्ति, और तो और मेरी कजन सिस्टर बुलंदशहर से, वो सुनकर कि महाराज जी आ रहे हैं वो दौड़ी आई, कहती नहीं मैं महाराज जी का आशीर्वाद लेना है। तो फरीदाबाद के लोगों की तरफ से मैं पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और इस आशीर्वचन के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।